अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक भटकती रूह की कहानी जो आपको निहायत ही पसंद आने वाली है। तो बच्चों, ये कहानी है एक रीमा नामी लड़की की जो बहुत ही खुशगवार मूड में गाना गुनगुनाती हुई कॉरिडोर से चली आ रही थी। इतना खुश लग रही थी, लगता ही नहीं था अभी सारे दिन की थकी हारी कॉलेज से आई है। अभी धुन में गुनगुनाती अंदर आई तो चारों तरफ खामोशी महसूस करके खुद भी चुप हो गई और फिर अचानक से बोली, अम्मी भाई कहाँ हैं आप सब? रीमा ने माँ और भाभी को पुकारती हुई और भाई को पुकारती हुई कमरे में आई, जहाँ अलीजा बेगम और सना दोनों फिक्रमंद चेहरे लिए बैठी थी। अलीजा बेगम रीमा की माँ और सना रीमा की भाभी। खैर, रीमा ने पूछा, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं और गुड़िया और शाहरुख भी नज़र नहीं आ रहे? तो उसकी भाभी बोली, क्या करें, बात ही कुछ ऐसी है, तभी तो फिक्र खाई जा रही है। बच्चों को बाहर भेजा है खेलने के लिए और वो अभी तक नहीं आए। और फिर रीमा की माँ बोली, बेटी एक और वजह भी है। तो इस पर रीमा ने कहा, आखिर क्या वजह है, आप क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही हैं? तो रीमा की माँ बोली, आज अचानक ही मालिक मकान ने मकान खाली करने का ऑर्डर दे दिया है और मकान खाली करने के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है। अब इतने कम वक्त में हम दूसरा घर कहाँ से तलाश करें? तो रीमा ने पूछा, लेकिन क्यों, अंकल ने ऐसे घर खाली करने को क्यों कहा? हम तो किराया भी इन्हीं टाइम पे दे देते हैं, घर का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं, फिर खाली करने का क्यों कहा? तो इस पर सना ने कहा, वो खुद कह रहे थे, मैं शर्मिंदा हूँ, अचानक ऐसे घर खाली करने को कह दिया, लेकिन वो खुद मजबूर भी थे और कह रहे थे कि इनकी बेटी को घर की ज़रूरत है और इसके लिए वो घर अपनी बेटी को दे रहे हैं। तो रीमा ने कहा, इनकी भी मजबूरी है, लेकिन अम्मी इतनी जल्दी हमें दूसरा घर कहाँ से और कैसे मिलेगा? और अगर घर ना मिला तो हम फिर कहाँ जाएंगे? रीमा ने परेशानी के आलम में सवाल किया। लीजा बेगम अपनी बेटी और बहू को तसल्ली देते हुए कहने लगी, बेटा परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह पाक कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा। और रीमा से कहने लगी, तुम्हारे भैया गए हैं प्रॉपर्टी डीलरों के पास, इंशाल्लाह ज़रूर कोई ना कोई घर मिल ही जाएगा। तो रीमा ने कहा, हाँ ठीक है, आप लोग भी मूड ठीक करें फिर। अच्छा अम्मी, अभी तक आप लोगों ने खाना भी नहीं बनाया होगा, जबरान और फिजान भी आ गए तो इनको क्या खिलाएंगे? में लीजा बेगम ने कहा, हाँ तो तुम दोनों मिलकर जल्दी से खाना तैयार कर लो, अभी मेरे बेटे आते ही होंगे। तो इस पर रीमा ने कहा, ठीक है भाभी, आप जल्दी से किचन में जाएं, मैं यूनिफॉर्म चेंज करके अभी किचन में आ रही हूँ आपके पास, फिर हम मिलकर खाना तैयार करते हैं। खाना बनाने के बाद सब जिब्रान और फिजान के आने का वेट करने लगे। दोपहर से रात हो गई और अभी तक वो दोनों वापस ना आए। सब उनके लिए परेशान थे, लेकिन इनको फ़ोन करना मुनासिब नहीं लगा कि जब घर मिल जाएगा तो वो खुद ही आकर इतला दे देंगे। तभी सब इनके इंतज़ार में भूखे बैठे थे। दोनों उजड़ी हुई हालत में जब घर आए तो अलीजा बेगम ने कहा, बेटा तुम दोनों पहले फ्रेश हो जाओ, इतने में हम खाना लगाते हैं, खाना खाने के बाद ही हम बैठ के बात करेंगे। तो दोनों कहने लगे, जी अम्मी ठीक है। दोनों ने अपनी अम्मी का कहना माना और फ्रेश होने चले गए। रीमा और सना मिलकर खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगे। फिर जब जिब्रान और फिजान फ्रेश होकर आ गए तो सब ने खामोशी से खाना खाया। बच्चे पहले ही खाना खाकर सो चुके थे।
जब सब खाना खा चुके तो अलीजा बेगम ने पूछा, हाँ बेटा अब बताओ क्या बना घर का, कोई इंतजाम हुआ कि नहीं? तो इस पर जबरान बोला, जी अम्मी दो घर हमने देखे हैं, हैं तो दोनों ही अच्छे, लेकिन एक घर में गैस का मसला है जबकि दूसरा घर हर लिहाज से परफेक्ट है। जबरान ने इस पर रीमा ने कहा, अगर गैस का मसला है तो उस घर को रहने देते हैं, दूसरा घर परफेक्ट है तो उसे डन कर लेते हैं। पर अलीजा बेगम ने कहा, हाँ बेटा ये ठीक रहेगा क्योंकि गैस के बगैर तो खाना नहीं बन सकता, और अगर दूसरा घर हर लिहाज से परफेक्ट है तो हम वो ले लेते हैं। तो इस पर जबरान बोला, जी अम्मी मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन अचानक से फैजान बोला, अम्मी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है दूसरे घर के मुतालिक। तो जबरान उलझे हुए लहजे में बोलने लगा, क्या मसला है आखिर तुम्हें यार? यार तुम्हें हर वक्त हर चीज में मसला क्यों नजर आता है, आखिर उस घर में क्या मसला है तुम्हें? तुम देख कर आए हो कितना खूबसूरत घर है वो। तो इस पर फैजान बोला, मुझे ये सोच के अजीब लग रहा है कि आखिर इतना खूबसूरत घर कोई इतना कम किराए में हमें कैसे दे सकता है, जबकि हमने देखा है वो घर बहुत ही खूबसूरत। और फिर फिजान ने अपनी सारी उलझन अपनी माँ के सामने बयान कर दी। फिर इस पर जबरान बोला, अम्मी हमें इस वक्त घर की अर्जेंट ज़रूरत है, वो हमारी मजबूरी का फ़ायदा भी उठा सकता था लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया और कम किराए में देने को तैयार हो गया। तुम बिना फैजान हर एक पर शक करते रहते हो, पागल हो तुम भी? वो बेचारा हमारे साथ भलाई कर रहा है और तुम ख्वामख्वाह उस पर शक कर रहे हो। अगर वो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाता तब भी हमें एतराज़ होता, और अब भी तुम्हें एतराज़ है। तुम अपनी अकल के घोड़े दौड़ाना बंद करो और जाकर आराम करो, वैसे भी सुबह से घर की तलाश में खुआर होते फिर रहे थे। सना ने हंसते हुए फैजान को रिलैक्स किया था। इस पर फैजान बड़बड़ाने लगा, चलें ठीक है फिर जो आप लोगों को मुनासिब लगे, वैसे भी आप लोग मेरी सुनते कहाँ हो। तो इस पर जबरान ने कहा, माँ आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों को वो घर बहुत पसंद आएगा, देख लेना आप सब लोग, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है और हम कल ये सामान लेकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद जबरान फैजान और सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अगले ही दिन सब जाकर वो घर देख कर आए। वो घर वाकई में बहुत ही शानदार था, 5 बड़े हवादार कमरे और हर कमरे के साथ एक अटैच बाथ भी था, एक बड़ा सा किचन और साफ सुथरा हाल भी था, और एक अदद गार्डन और बड़ा सा सहन था। गर्ज ये कि घर हर लिहाज से शानदार था। सब घर वाले देखकर बहुत खुश हो गए, लेकिन जो सवाल कल फैजान के जहन में आया था आज घर वाले भी देखकर वही सवाल सब जबरान के सामने भी करने लगे कि आखिर ये इतना शानदार घर इतने कम किराए में क्यों दे रहा है? अरे आप सब लोगों को क्या हो गया है, क्या आपके दिमाग पे भी फैजान का भूत सवार हो गया है? मुझे बताओ अगर यहाँ हम ना रहे तो और कहाँ जाए? आज हमें मकान भी खाली करना है तो बताओ कहाँ जाए? तो इस पर अलीजा बेगम कहने लगी, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मकान तो बहुत ही खूबसूरत है, बस ये सोच रहे थे कि इतने कम किराए में क्यों दे रहा है। तो इस पर जबरान ने कहा, चले चलकर उससे पूछते हैं और कहते हैं कि इसका किराया बढ़ा दें, सब घर वालों को इसकी फिक्र हो रही है। तो सब हंसने लगे और कहने लगे कि जाओ जाओ अब जाकर सामान लेकर आओ, सारी बातें यहीं करते रहोगे क्या? तो इस पर जबरान और फैजान अपने पुराने घर में सामान लेने के लिए चले गए और सारा सामान उठा के नए घर में शिफ्ट कर दिया। एक दिन में जबरान और फैजान ने सारा सामान दूसरे घर में शिफ्ट कर लिया और फिर सब ने मिलकर एक ही दिन में घर को सेट कर लिया। रीमा और सना ने बहुत दिल से घर को साफ किया।
और खूबसूरती से तमाम घर को सजाया। बच्चे भी अपने नए नए घर में आकर बहुत खुश थे। पूरा दिन घर को सजाने संवारने में गुजर गया। सब ही थक चुके थे, खाना बनाने की हिम्मत किसी में ना थी। तभी फैजान जाकर रात का खाना बाजार से ले आया। सब ने मिलकर खाना खाया और थक हार कर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन की सुबह नमोदार हुई तो सब फ्रेश मूड में बेदार हुए। कल की थकन का कहीं भी नामो निशान नहीं था। सना ने सबके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता करके रीमा अपने कॉलेज, जबरान अपने ऑफिस और फिजान बच्चों को स्कूल छोड़ता हुआ अपने कॉलेज चला गया। अलीजा बेगम और सना घर के कामों में मसरूफ हो गई। सना किचन साफ कर रही थी और अलीजा बेगम सहन में बैठी दोपहर के खाने के लिए सब्जी काट रही थी, साथ धूप के मजे भी ले रही थी। तभी डोर बेल बजी। सना बेटी देखना जरा गेट पर कौन है, अलीजा बेगम ने सना को आवाज लगाई थी। तो मैं जाकर देखती हूँ कि गेट पर कौन है। तो इस पर सना अपने पल्लू से हाथ साफ करते हुए किचन से बाहर आई और गेट खोला तो सामने एक अजनबी औरत खड़ी थी। तो उस अजनबी औरत ने सना को सलाम किया। सलाम बेटी, मैं आप लोगों के साथ घर में रहती हूँ। ये घर काफ़ी अरसे से बंद था, आप लोग आए तो मैंने सोचा आकर मिल लूँ। तो इस पर सना बोली, जी जी आंटी, वालेकुम अस्सलाम, आ जाए अंदर। सना ने अजनबी औरत को अंदर आने की दावत दे दी और दरवाजे के सामने से हटकर अंदर आने की जगह दे दी। अजनबी औरत अंदर आई तो सना गेट बंद करती हुई इस औरत को लिए अलीजा बेगम के पास आ गई। आंटी, ये मेरी सास है। तो इस पर उसके सास ने कहा, ये कौन है बेटी, किसको ले आई हो? तो सना ने कहा, अम्मी जान, ये आंटी हमारे ही घर के पास रहती है, हमें यहाँ आता देखकर वो भी हमसे मिलने के लिए आ गई है। ये कहकर सना ने कहा, आप दोनों बैठे और मैं चाय बना कर लाती हूँ। तभी वो खातून बोल पड़ी, ना बेटी, मैं चाय पी कर आई हूँ, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाय को छोड़ो, बस हमारे पास बैठी रहो। और फिर उसकी सास ने कहा, तो बहन कैसी हैं आप और कहाँ रहती हैं और आपका नाम क्या है? तो वो औरत बोली, मेरा नाम बल्कीस है, मैं ठीक हूँ। दरअसल इस घर में कोई रहता ही नहीं है, जो भी आता है फौरन घर छोड़कर चला जाता है। इस घर में कोई भूत रहते हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को पहले ही बता दूं। तो इस पर अलीजा बेगम ने कहा, हैं भूत? बल्कि इस बहन कहाँ रहती हैं आप, किस जमाने की हैं? भूत भूत कुछ भी नहीं होते, हमें एक दिन हो गया यहाँ आए हुए, हमें तो किसी से कुछ नहीं कहा। अलीजा बेगम ने हंसते हुए जवाब दिया, आप माने या ना माने लेकिन मैं ठीक कह रही हूँ, बल्कि इसने फिर से कहा। तो अलीजा बेगम ने कहा, चलें कोई बात नहीं बहन, जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। आप सुनाइए, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, घर में कौन कौन है? तो वो औरत अलीजा बेगम को सब कुछ बताने लगी कि वो घर में कितने लोग रहते हैं, वो क्या करती है दिन भर, और वो सब कुछ बताने लगी। कुछ देर बाद वो औरत अपने घर चली गई और दोपहर के 3 भी बज रहे थे। सब घर वाले वापस आ गए और लंच भी किया। कुछ देर आपस में गुफ्तगू करते रहे। सर्दी की शामें और रात जल्दी हो जाती थी, तभी रात जल्दी होने का पता ही ना चला। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। फैजान अपने कमरे में आकर टीवी देखने लगा, जबकि रीमा ने अपने कमरे में आकर कंप्यूटर पर काम करने लगी। जबरान और सना बच्चों के साथ अपने कमरे में थे। रात का 1 बज चुका था। फैजान टीवी पर मूवी देख रहा था कि अचानक खुद ब खुद टीवी बंद हो गया। फैजान बोला, अरे ये क्या हुआ, अभी तक तो टीवी ठीक था, ये अचानक बंद क्यों हो गया? फैजान गरम बिस्तर छोड़कर उठा और टीवी की वायर चेक की, सब कुछ तो ठीक था, फिर टीवी बंद कैसे हुआ? लाइट भी नहीं गई, फिर टीवी को क्या हो गया है? फैजान सोच में पड़ गया, चलो टीवी सुबह देखेंगे, वैसे भी रात का 1 बज रहा है, अभी सो जाता हूँ। फैजान ने सोचा और लाइट ऑफ करके बिस्तर में आकर सोने के लिए लेट गया।
दूसरी तरफ 1:30 बजे तक रीमा ने कंप्यूटर पे काम किया। जब थक गई तो उठ गई और सोने के लिए बिस्तर का रुख किया। कमरे की तमाम बत्तियां बुझाई और सोने के लिए बिस्तर पे आकर लेट गई। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वो कमरे में अकेली नहीं है। रीमा थोड़ा सा खौफ में मुब्तला हो गई कि कम किराए के लिए जो सवाल इसके जहन में कलबलाया था, इसका जवाब मिल गया है। इसके आसपास मौजूद जो कोई भी था वो नहीं जानती थी वो बुरी फितरत का हामिल है या अच्छी फितरत का, इसलिए वो खौफ का शिकार हो गई। इसने अपने ऊपर कंबल खींचकर इसके अंदर छुपने की कोशिश की थी। तभी कुछ देर बाद इसे अपने कमरे की दीवार के इस पार किचन से खटपट की आवाज़ें सुनाई देने लगी, साथ ही किसी के कदमों की चाप भी आने लगी। वो जानती थी इस वक्त घर के तमाम अफराद अपने अपने कमरों में सो रहे थे। तभी इसका शक यकीन में बदल गया कि घर में कोई दूसरी मखलूक मौजूद है। थोड़ी देर बाद कदमों की चाप नमाया सुनाई देने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई किचन से निकलकर इसके कमरे की तरफ आ रहा है। तभी कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। रीमा मज़ीद दहशत जुदा हो गई। खौफ से इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो उठकर घर के दूसरे अफराद को भी ना बता सकी। रीमा ने कोई भी रद्द अमल जहर किए बिना बिस्तर में दबी रही। इसने कुछ देर इंतज़ार किया कि वो चीज़ अब मज़ीद क्या पेश रफ्त करती है, लेकिन कुछ ना हुआ। रीमा ने डरते डरते अपना मुँह कंबल से निकाला और अपने इर्द गिर्द देखने लगी और वहाँ के हाल का जायजा लेने लगी। कमरे में उसे अपने सिवा और कोई शख्स या गैर मामूली चीज दिखाई ना दी। अचानक उसे कहीं पढ़ी हुई बात याद आ गई कि अगर आपको कभी भूत की मौजूदगी का शक हो या किसी भूत से वास्ता पड़े तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अब ये कहने और सुनने को तो बहुत आसान था, लेकिन आज रीमा को एहसास हुआ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होता मेरे साथ। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी का बाकी हिस्सा मैं आपको कल पार्ट 2 में सुनाऊंगी। और अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।